Hello and welcome students. So today we are going to start the next topic, that is the muscular system. So far we have done the one half of this chapter, that was a skeletal system which comprised of all the bones. And now we are going to start the next half of this chapter, that is the muscular system. What is the muscular system? It is the system in which all the muscles are present, muscles of our body. What are the muscles? They are simply the fibrous parts of our body. Fibrous means जैसे threads होते हैं, they बहुत सारे threads join करके एक muscle बना लेते हैं. Fibers combine together and they form a muscle. What is their function? They allow the flexibility to the bones. जो bones को move करने में help करती हैं, right? So bones cannot move on their own. The muscles help our body to move. They provide necessary supports, flexibility that allows hard bones to move with the ease. बहुत ही भारी जो बड़ी बड़ी bones होती हैं वो कैसे move कर सकती हैं? अपने आप तो नहीं कर सकती, तो उनको move करती हैं हमारी muscles. Clear? So muscles are the elastic and they can also stretch across the joints and thereby linking one bone with the another. Ek dusri bones ke saath bhi connected hoti hai with the help of the muscles. So all the moments we do our work, we move from one place to another, we play with our friends, we move our bones. Those bones kaise move karti hain? That is because muscles are attached with the bones. Clear? So what is the function of the muscular system? One is, if there are muscles, only then we are able to move. The muscular system is to make movements such as running, walking, sitting, etc. And next is, it also helps our body to maintain posture and position. Posture means the way of sitting or standing, right? जैसे हम बैठे हैं, हमारा तरीका क्या है बैठने का, खड़े होने का, चलने का, that is the posture. तो वो मेंटेन करती हैं हमारी मसल्स. वो डिपेंड करता है कि हमारी मसल्स कैसी हैं, द वे आर सिटिंग पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन, राइट. नेक्स्ट इज, इट अलाउज द बोन बॉडी टू जनरेट एनर्जी थ्रू वेरियस मस्कुलर एक्टिविटीज़. जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है तो उस केस में क्या है, इट ऑल्सो जो मसल्स हैं दे ऑल्सो हेल्प आर बॉडी टू जनरेट एनर्जी. जैसे हम कोई मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, वी डू लॉट ऑफ वर्कआउट भी करते हैं, एक्सरसाइजेस, उस केस में हमारी बॉडी में एनर्जी भी जनरेट होती है, पावर बिल्डअप होती है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द डिटेल्ड, व्हाट आर द मसल्स, इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज, द मसल्स आर द फाइबरस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. फाइबरस, आई हैव टोल्ड यू, दे आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स. And total number of muscles which are present, they are more than 600 muscles. And let me tell you, कि जो हमारी muscles होती हैं वो हमारी body का half of the weight जो होता है वो muscles की वजह से होता है. Like if you are आपका weight 30 kilogram है तो 15 kilogram weight आपका muscles की वजह से ही होगा. Clear? So muscles are at work when we perform activity. जब भी हम कोई activity करते हैं तो muscles keep on working at that time. Clear? They are made up of cells and fibers. Cells एक छोटी से छोटी क्वांटिटी ऐसी चीज़ होती है जिससे हम बनते हैं, हमारी बॉडी बनती है, दैट इज सेल्स. क्लियर, जैसे हमारा घर ब्रिक से बनता है, इन द सेम वे वी आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स. क्लियर, एंड फाइबर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो दे आर अटैच टू द बोन्स बाई टेंडन्स एंड टिश्यूज. जो बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है दैट इज़ द टेंडन्स, एंड टू बोन्स को कनेक्ट करने वाला इज़ द लिगामेंट्स दैट वी हैव डन इन द स्केलेटल सिस्टम पार्ट. क्लियर, सो मसल्स कीप ऑन वर्किंग लाइक दे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है, स्ट्रेच मीन्स उसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन में चली जाती है. सो ऑल द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दे हैव टू पेयर्स ऑफ द मसल्स. एक स्ट्रेच करने के लिए मसल होता है, दूसरा रिलैक्सेशन वाला मसल. सो द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अलाउ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू मूव. इसीलिए ये पेयर की वजह से जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, दे कैन मूव दे कैन परफॉर्म वन मोमेंट टू अनदर मोमेंट, राइट. सो मसल्स आर हेल्प इन
इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी ने पंप करना है ब्लड को, उस केस में भी हमें मसल्स हेल्प करते हैं, लाइक मस्कुलर ऑर्गन दैट इज़ हर्ट इज़ प्रेजेंट, राइट? डाइजेशन में, डाइजेस्टिव में स्टोमक इज़ प्रेजेंट, जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं विच हेल्प इन डाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ फूड टुगेदर. क्लियर? सो दिस इज़ द मसल्स पार्ट, राइट? नेक्स्ट कम्स द एक्सेट्रा पार्ट, दैट इज़ द मस्कुलर सिस्टम अकाउंट्स नियरली हाफ ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी. जो मसल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी की, दे आर अबाउट ऑलमोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी वेट. जैसे किसी का बॉडी का वेट इज़ 40 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम वेट उसका पर्सन का इट इज़ ड्यू टू द मसल्स विच आर प्रेजेंट. ये नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ मसल्स. सो बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज वॉलंटरी, अदर इज इनवॉलंटरी, एंड थर्ड इज अ कार्डियक मसल्स. सो व्हाट आर वॉलंटरी मसल्स? दे आर द मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, राइट? द जैसे हम उनको करने को बोलेंगे वैसे दे विल डू, दैट इज़ अंडर आर कंट्रोल, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल. जैसे हम चाहते हैं वैसा वो काम करती हैं. दोज आर द वॉलंटरी मसल्स. लाइक हमारी आर्म्स में, लेग्स में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक वी वांट टू लिफ्ट आवर हैंड, हम लिफ्ट कर लेते हैं. वी वांट टू प्ले गेम्स, तो उस केस में हमें वॉलंटरी मसल्स हेल्प करती हैं. वेयर एज इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं, दे डू नॉट वर्क अंडर आर कंट्रोल, दे कीप ऑन वर्किंग बाय देमसेल्फ. जैसे हम ब्रीथ करते हैं, राइट? तो उस केस में हमारी चेस्ट में जो एयर अंदर जाती है, बाहर आती है, दैट इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल. क्लियर? सो दैट इज ब्रीदिंग इज़ डन by the involuntary muscles. So let us study about these. So first is voluntary muscles. These muscles are under our control and work according to our will. They are directly attached to our bones and they are present in our arms. जहाँ पे भी muscles हमारी bones के साथ directly attached होती हैं, there are the voluntary muscles. Like arms के साथ भी directly attached होती हैं muscles. Clear? They are present in our arms, legs, etc. We use these muscles to walk, lift. जो भी हम work करते हैं daily life में, that is done by the voluntary muscles. और इनका other name is also there, that is skeletal muscles. इनको skeletal muscles भी बोला जाता है. Clear? And next comes the involuntary muscles. Involuntary muscles, these muscles are not under our control and और वी कैन से दैट दीज मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल. जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दे कीप ऑन वर्किंग ऑटोमेटिकली. लाइक जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन की करता रहता है, स्टोमक है जो वो डाइजेस्ट करता रहता है खाने को, है ना? तो उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं होता, तो इट कीप्स ऑन डाइजेस्टिंग बाई इट सेल्फ. सो दोज आर द इनवॉलंटरी मसल्स. ऑल्सो जैसे हमारी आइज़ होती हैं, तो आइज हेल्प अस टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेज, एंड वो क्लियरली दिखाती हैं बाई ऑटोमेटिकली दे शो अस. सो दिस इज दीज आर द इनवॉलंटरी मसल्स. नेक्स्ट इज दोज इन आर चेस्ट ऑल्सो. जैसे चेस्ट में दे हेल्प अस टू ब्रीथ. जैसे लंग्स में होती हैं, तो कीप ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज देयर इन द लंग्स, दैट इज़ द इनवॉलंटरी मसल्स. और इनको स्मूद मसल्स भी बोला जाता है, इनवॉलंटरी मसल्स. थर्ड कैटेगरी इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज़ द कार्डियक मसल्स. So what are the cardiac muscles? These are the involuntary muscles which are also like involuntary muscles, that they are also not under our control, but they are different from them. They never stop working. Just a stomach can stop working when there is no food present in the stomach, right? जो कि एक involuntary muscle है, but cardiac muscles तो continuously work कर रही हैं, चाहे बॉडी को ज़रूरत है चाहे नहीं. सो दीज लाइक द इन हार्ट, हार्ट इज कीपिंग ऑन, हार्ट कीप्स ऑन पंपिंग द ब्लड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द ऑफ आवर बर्थ. जहाँ जब से हमारा बर्थ हुआ है, तब से लेके जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हमारा हार्ट काम करता रहेगा, राइट? सो दीज आर द कार्डियक मसल्स विच वर्क कंटिन्यूसली एंड दे डू नॉट स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. दे कैन स्ट्रेच जस्ट लाइक स्मूद मसल्स. ये भी स्ट्रेच हो सकती हैं दूर दूर तक एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लाइक एंड लाइक स्केलेटल मसल्स जो हमने पढ़ा है अभी, वॉलंटरी मसल्स की तरह. क्लियर? एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी बॉडी का है जो, दैट इज़ आर टंग. क्लियर? एंड इट इज़ मोस्ट मोबाइल. मोबाइल मीन्स जो सबसे ज़्यादा मोमेंट वाला मसल होता है, दैट इज़. क्लियर?
सो जैसे कि वी नो दैट द बोन्स एंड मसल्स दे वर्क टुगेदर विद ईच अदर एंड दे कैरी आउट वेरियस इंट्रैक्शंस बिटवीन मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. सो देयरफॉर अगर हम दोनों की इकट्ठे बात करें तो दे फॉर्म अ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम. क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट फॉर द प्रैक्टिस जोन्स एंड द ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन आंसर्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय.